नमस्ते, मैं डॉक्टर संगीता दत्ता, मनोरोग चिकित्सक, और आज हम लोग बात करेंगे परिवार का रोल मेंटल इलनेस में। हमेशा हम लोग देखते हैं कि जब एक मानसिक रोगी एक फैमिली को बिलोंग करता है, तब फैमिली का जो एक बिहेवियर पैटर्न बहुत बार ऐसा होता है कि वो बदल जाता है। बहुत बार हम लोग एक्सप्रेस्ड इमोशंस के बारे में बोलते हैं। एक्सप्रेस्ड इमोशंस मतलब, एक अगर मानसिक रोगी घर पे हो तो ऐसा बहुत बार कई बार होता है कि बाकी लोगों को उस पर तरस आता है और बाकी लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, इसीलिए उनका हर एक काम करने के लिए वो लोग कोऑपरेट करते हैं, कर देते हैं। जैसे कि उनका नहाना, खाना, कपड़ा बदलना, सब कुछ बाकी लोग उनके लिए करना शुरू करते हैं, जो सही नहीं है। इसको हम लोग पॉजिटिव एक्सप्रेस्ड इमोशन बोलते हैं। कुछ फैमिलीज में तो ऐसा होता है कि उल्टा ही हो जाता है। वो लोग ऐसे मानसिक रोगी के होने के वजह से वो लोग ओवरबर्डन महसूस करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत बार मेंटल इलनेसेस में रोगी एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाता है। तो वैसा एक रोगी अगर वो ट्रीटमेंट पे स्पेशली अगर नहीं हो, तो वो फैमिली को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। ना सोशली कंट्रीब्यूट करता है, ना इमोशनली कंट्रीब्यूट करता है, ना ही वो फिनेंशियली कंट्रीब्यूट कर पाता है, क्योंकि वो काम नहीं कर पाता है बहुत बार। तो इस हालत में बाकी लोग उसको एक बोझ समझने लगते हैं और बाकी लोग फ्रस्ट्रेटेड रहने लगते हैं। इसीलिए वो लोग ऐसे एक मेंटली इल पेशेंट को बहुत बार नेगेटिव बिहेवियर दिखाते हैं, जैसे कि उनको अब्यूज़ करते हैं, गाली देते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, खाना नहीं देते हैं बहुत बार। तो ऐसा एक इंसान ऑलरेडी मेंटली इल है, वो और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसको खुद भी पता नहीं चलता है कि वो इस व्यवहार का बेसिकली वो डिज़र्व ही नहीं करता है। उसको पता नहीं है कि उसको मेंटल इलनेस क्यों हुआ है, क्योंकि उसने खुद तो ऐसा क्रिएट नहीं किया है। बहुत बार हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ और इलनेस के बारे में अवेयरनेस इतना ही कम होता है कि एक जब मेंटल इलनेस शुरू होता है एक फैमिली मेंबर को, तब बाकी लोगों को पता भी नहीं चलता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। बहुत बार वो लोग सोचते हैं कि ऐसा एक मेंबर ऐसे ही नाटक कर रहा है, वो बहुत लेजी हो गया है, काम धाम नहीं करना चाहता है। कभी भी कोई भी सस्पेक्ट नहीं करता है कि उसको डिप्रेशन हुआ है या उसको कुछ और हुआ है, साइकोसिस का बिगिनिंग है, क्योंकि अवेयरनेस या सजागता बहुत कम है। तो इसीलिए बहुत बार ट्रीटमेंट में भी काफ़ी देर हो जाती है। इसीलिए फैमिली मेंबर्स को, हम लोगों को साइको एजुकेशन देना होता है और अवेयरनेस जो है वो सोसाइटी में हमें बढ़ाना होगा, ताकि एक इंसान अगर थोड़ा अलग बिहेवियर दिखाए या उसका पर्सनालिटी चेंज हो, तो एटलीस्ट बाकी फैमिली मेंबर्स को ऐसा तो लगे या वो सस्पेक्ट तो करे कि शायद उसको एक मेंटल इलनेस हुआ है या होने की शुरुआत है। ऐसा भी एक चीज़ है। इसके अलावा बहुत बार हम लोग देखते हैं हमारे क्लिनिक में, जो स्पेशली बच्चे आते हैं, एडोलेसेंस आते हैं, बहुत बार पढ़ाई ना करने की वजह से या गुस्से के वजह से या कंडक्ट इश्यूज के वजह से हमारे पास लाए जाते हैं। तो और फैमिलीज चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि बहुत कम वक्त में उसको ठीक किया जाए या उसको सही बिहेवियर पे लाया जाए, सही रास्ते पे लाया जाए। ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार काउंसलिंग करते हुए हम लोगों को पता लग जाता है कि ऐसे बच्चे ऐसे फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। बहुत बार, मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, जहाँ पर फैमिली डिसफंक्शन है। फैमिली डिसफंक्शन का मतलब खाली पेरेंट्स में झगड़ा ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है। जहाँ फैमिलीज में किस तरीके का अपब्रिंगिंग हुआ है बच्चे का, डिसिप्लिनिंग किस तरीके का है, बच्चा इतना डिमांडिंग एक दिन में तो नहीं हुआ, कैसे इतना डिमांडिंग हो गया, किसका रोल कैसा था। तो क्योंकि बच्चा ओवरनाइट तो ऐसा नहीं हुआ है, तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा इवन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ताकि उनका व्यवहार हम लोग बदल सके। और इसी दौरान बहुत बार हम लोग एम्फेसिस देते हैं फैमिली काउंसलिंग पे भी। तब हम लोग पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स को भी बुलाते हैं, ताकि कुछ भी लूपहोल्स हो, कुछ भी वजह हो, कुछ भी डिसफंक्शन हो, वो भी हम लोग गायब कर पाए, ताकि ये जो बच्चा है या ये जो इंसान है, उनका जो रूट कॉज है बीमारी का या प्रॉब्लम का, वही गायब हम लोग कर पाए। इसके अलावा बहुत बार फैमिली मेंबर्स ठीक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते हैं या नहीं करवाते हैं।
इसका वजह एक तो है फिनेंशियल बर्डन, क्योंकि बहुत बार साइकेट्रिक एलिमेंट्स में काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, और फैमिली मेंबर्स को लगता है कि क्योंकि बंदा कमा ही नहीं रहा है तो हम लोग क्यों इतना उस पर खर्चा करें। क्योंकि मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग खर्चा करते हो तो इस इंसान को आप लोग प्रोडक्टिव बना रहे हो, कल को ये कमाएगा, काम करेगा, नॉर्मल जिंदगी जिएगा, खाली पैसों के लिए ही नहीं, वो आपकी फैमिली को बिलोंग करता है, तो उसको एक नॉर्मल जिंदगी देना भी एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो एक होता है, मॉरलिस्टिक ग्राउंड्स पे, वो शायद करना चाहिए मेरे हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत बार क्या होता है कि ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, उसके बाद थोड़ा रिस्पॉन्स मिल गया तो बीच में ही ट्रीटमेंट छूट जाता है, क्योंकि फैमिली कंटिन्यू नहीं करता है, फैमिली मेंबर्स को लगता है कि अभी तो हो गया बहुत कुछ, अभी आगे जाके ये खुद मैनेज कर लेगा, तब एक रिलैप्स हो जाती है, और रिलैप्स होने का कारण होता है इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। और इसीलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी हर एक को कि अपनी जो साइकेट्रिस्ट है उनका जो एडवाइस है वो आप लोग मानिए, जब तक वो दवा कंटिन्यू करने के लिए बोले बोले जिस हिसाब से ट्रीटमेंट के लिए या फॉलोअप के लिए बुलाएं, वही आप लोग फॉलो कीजिए, क्योंकि तभी एक रिकवरी पॉसिबल है। और बहुत बार ट्रीटमेंट लंबा भी हो सकता है, लेकिन अपनी डॉक्टर की एडवाइस मान के ही चलना चाहिए। इसके अलावा बहुत बार फैमिली में इमोशनल लोड या एन्जाइटी डिप्रेशन बाकी फैमिली मेंबर्स में भी बढ़ सकता है, बहुत बार तो फैमिली में डिसफंक्शन होने की वजह से या फैमिली में एन्जाइटी लेवल काफ़ी हाई होने की वजह से किसी को मेंटल इलनेस भी हो सकता है, और बहुत बार मेंटल इलनेस होने की वजह से भी फैमिली में डिसफंक्शन बढ़ सकता है, एन्जाइटी लेवल्स बढ़ सकता है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ सकता है। सो इट्स अ टू वे प्रोसेस। तो इसमें हम लोग फैमिली काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, साइको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और साथ में अगर फैमिली मेंबर्स को भी कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो एक साथ हम लोग पैरेलली करते हैं, क्योंकि हम यही बताना चाहेंगे एक फैमिली मेंबर को कोई प्रॉब्लम हो गया, मेंटल हेल्थ इलनेस हो गया, मेंटल इलनेस हो गया या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो गया तो पूरी फैमिली इफेक्टेड हो जाती है, इसीलिए ट्रीटमेंट में भी पूरी फैमिली को ही टारगेट करना होता है। इस वीडियो को लाइक करना या सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर से एक नया नई विषय लेके आपके पास हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्ते।